हरे रंग की बाल्टी में नहाते हुए हरी दाल डाल दें और चमत्कार देखें। आपका बुध स्ट्रांग होगा, आपकी वाणी सुदृढ़ होगी, आपका हर काम बनने लगेगा, आपका दिमाग तेज होगा, आपके जो पीहर वाले हैं वो आपके जान लुटाएंगे, आपके ऊपर जान लुटाएंगे। ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपके आपको संपत्ति मिलेगी पीहर से, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते इस उपाय से। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी पूरे मन से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही होगी। मेरी जो शुभकामना होती है हमेशा आपके साथ होती है। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा पनपते रहें, सदा फूले फले तरक्की करें और उन पर परमात्मा की कृपा बरसती रहे। मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा आपके साथ होती है सब्सक्राइबर्स। तो या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने आज पहली बार नहीं किया है, मतलब पहली बार विजिट कर रहे हैं डॉक्टर उमाश्री चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की जानकारी भविष्य में आपको मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आपको क्या करना है। मित्रों, जो स्नान होता है वो बहुत पवित्र होता है। हम किसी नदी में स्नान करते हैं तो हम जानते हैं कितना पुण्य मिलता है, लेकिन अगर आप नदी में स्नान आप ना कर सकें तो नदियों का नाम आप लेने मात्र से उस बाल्टी में नदियों की शक्ति आ जाती है और आपको पनपने में मदद करती है। ये नदियाँ होती हैं जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी। इसका एक मंत्र भी है जो मैं बता चुकी हूँ पूर्व वीडियो में। आपको उस मंत्र को नहाते समय जपना चाहिए और वो मंत्र आपके लिए बहुत काम आता है, क्योंकि गंगा नदी की शक्ति, गोदावरी नदी की शक्ति और यमुना नदी की शक्ति बहुत पवित्र होती है और नदियों की शक्ति से आपका चंद्रमा उत्तम होता है और चंद्रमा उत्तम होने से आपकी मानसिकता दूषित नहीं होती और आपकी मानसिकता सकारात्मक हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर आप हरे रंग की बाल्टी से नहाते हैं तो आपका बुध ग्रह भी, जो बुद्धि का कारक है, मजबूत होता है और आपको बुद्धिमान बनाता है। आपको डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी आ जाती है, आप डिसीजन आपका बहुत कंफ्यूजन वाला नहीं रहता और डिसीजन आपका परफेक्ट होता है। ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है। जब नहाते समय आप हरी दाल, जो मूंग के छिलके वाली दाल होती है या साबुत मूंग होते हैं, 5 की संख्या में, आप 5 का अंक भी बुध का होता है, तो 5 दाल डाल दें। 50 दाल भी डाल सकते हैं, लेकिन धुली हुई होनी चाहिए क्योंकि दाल में केमिकल हो सकते हैं, तो आप सोच समझ के काम करें। लेकिन 5 दाल के दाने डालने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप उसको हरे रंग की पोटली बनाकर भी पानी में डाल सकते हैं, बाल्टी में डाल सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर हो सके तो कांसे का जो बर्तन होता है या कांसे का जो लोटा होता है वो स्नान के जल में आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। उस जो कांसे का जो बर्तन होता है वो बुध ग्रह का ही होता है और उससे भी आपको बुध ग्रह को उन्नत बनाने में मदद मिलती है। कुल मिला के जो लोग बैंक कर्मी हैं, जो लोग गायक हैं, सिंगर हैं और जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिए बुध अच्छा होना ज़रूरी है। वकालत करने वाले लोगों के लिए भी वाणी का बहुत इस्तेमाल होता है, तो आपको भी अपने बुध को उन्नत करना चाहिए। लेकिन अगर आपका वृश्चिक लग्न है और कर्क लग्न है और मेष लग्न है तो ये प्रयोग आपको नहीं करना है। अन्य लग्न वाले ये प्रयोग करें तो उनको बहुत फ़ायदा तुरंत ही मिलने लगता है। आप हरी बाल्टी से नहाते समय आप बुध ग्रह के मंत्र भी जप सकते हैं। बुध ग्रह का मंत्र पहले बता चुकी हूँ, पुनः रिपीट कर देती हूँ। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः या ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बुध के जो देवता हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान कहे गए हैं, विष्णु भगवान कहे गए हैं, दुर्गा माता जी को माना गया है बुध ग्रह 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 पर प्रभाव, और बुध ग्रह तो आपका होता ही है बुध ग्रह से संबंधित, तो इन तीनों का जाप आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। नहाते समय जो मंत्र जाप आप करते हैं वो कम ही मात्रा में अगर जपते हैं तो भी सिद्ध हो जाता है, ऐसा नहाने का प्रताप होता है। तो कोई भी मंत्र जपें, जो देवता देवी देवताओं का नाम मैंने आपको बताया उनसे संबंधित, तो आपको फ़ायदा होता है। आप बुध यंत्र का निर्माण भी स्वयं कर सकते हैं, ये भी मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, जिससे आप लाभान्वित हो सकें और आपको बहुत फ़ायदा हो सके। बुध ग्रह अगर अच्छा होता है तो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है और सही समय पर सही निर्णय आप ले पाते हैं।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में आके बताना कि मैं किस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊँ जो आपको फ़ायदा पहुँचा सके। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।